आज का जो टॉपिक है वो हम स्पेशल टॉपिक है। पहले भी इस चीज पे हम जिक्र कर चुके हैं, और क्योंकि आप जो इस इंडस्ट्री में आए हैं वो एक बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए आए। तो एक बड़ी सफलता को कैसे प्राप्त किया जाए, नेटवर्क बिजनेस में एक बड़ी सफलता को कैसे प्राप्त किया जाए, और ऐसे लोग जो बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं उनके अंदर ऐसे क्या विशेष गुण होते हैं जिनके कारण वो अपनी कंपनी के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, बहुत बड़ी इनकम को प्राप्त करते हैं। उन सब विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उन पॉइंट्स के ऊपर जिक्र करने से पहले एक चीज मैं जहां से शुरुआत करना चाहूंगा वो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, और वो बात है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है। क्योंकि जो आदमी नौकरी करता है, बिजनेस करता है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं होती है, तो उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है एक नया कॉन्सेप्ट होता है। तो ज्यादातर लोग किसी नए काम को, जब उनको कोई नया काम दिया जाता है, उस काम को इसलिए भी नहीं करते हैं या इसलिए भी उसमें सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये काम तो उन्होंने आज तक नहीं किया। जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी आपको मना कर देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है यार ये काम तो हमने आज तक किया नहीं है, नया काम है, नया कॉन्सेप्ट है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चल पाएगा नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो उनको यही लगता है कि शायद मैं नहीं कर सकता, तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है आपके साथ नहीं जुड़ते हैं या नहीं आते हैं, या आप भी हो सकता है अभी शुरुआत ना कर पा रहे हो कि आपको भी ऐसा लगता हो कि यार ये मेरे लिए नया कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं 5 मिनट लूंगा, उसके बाद फिर उन सब पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। देखिए, जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट नया है, तो ऐसे में ना आपको कुछ अपने जीवन की कुछ ऐसी बातों को याद करना पड़ेगा कि जीवन में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपने शायद फर्स्ट टाइम किए थे, आपने कभी किए नहीं थे, लेकिन अचानक आपको वो काम आपके जीवन में आया और पहली बार आपने उस काम को करना शुरू किया। और आज की डेट में ऐसे बहुत सारे काम जो आपको आते नहीं थे लेकिन आपने शुरुआत किया और आज आप उसमें परफेक्ट हो चुके हो। तो केवल परफेक्ट नहीं, उसमें बहुत अच्छी तरीके से उन कामों को आज की डेट में आप कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही कुछ काम मैं छोटे छोटे से आपको याद दिलाना चाहूंगा जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए कि नेटवर्क बिजनेस कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब ये सारे काम आप कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे लोगों के हाथ में जब मोबाइल आया था, हमारे हाथ में जब मोबाइल आया था, तो मोबाइल चलाना शायद हमें नहीं आता था। मोबाइल का इस्तेमाल कैसे किया जाता, किसी नए आदमी को, किसी बुजुर्ग आदमी को आप मोबाइल दे दीजिए, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता। जैसे मेरी मदर को मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन हमने जब उनको मोबाइल दिया और बच्चों ने बैठ के उनको समझाया कि दादी ऐसे फोन सुनते हैं, ऐसे फोन काटते हैं, है ना, तो स्टार्टिंग में मेरी मदर को सिर्फ फोन सुनना और फोन काटना ही आता था, उसके अलावा कुछ नहीं आता था। लेकिन आज की डेट में मेरी मदर जब पूजा करने के लिए बैठती हैं तो उसमें वो यूट्यूब खोल लेती हैं, यूट्यूब खोलने के बाद कौन सी आरती उनको चलानी है वो आरती चला लेती हैं, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा, है ना। तो उनको यूट्यूब चलाना आ गया, उनको फोन यूज करना आ गया, जबकि उनके पास एप्पल का फोन है, एप्पल के फोन के फंक्शन ज्यादातर उल्टे होते हैं। अगर कोई एंड्रॉयड फोन चलाता है, अचानक उसको एप्पल का फोन दोगे, वो कहेगा यार मैं तो पागल हो गया, मुझसे चलता ही नहीं है। लेकिन उस फोन में आज की डेट में वीडियो कैसे चलाना है, वीडियो कॉलिंग कैसे करनी है, व्हाट्सअप कॉलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें जो हैं उनको आगे लोगों किसी का स्टेटस कैसे देखना है। मैंने पहले भी एक मीटिंग के अंदर बताया था कि हमें नहीं पता लगता लेकिन वो स्टेटस देख के बता देती है भाई फलाना के घर में ये काम हुआ है, मैंने आज स्टेटस पे फोटो देखी है। तो मोबाइल चलाना दोस्त आपको और हमें नहीं आता था, हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन आज आप और हम सब मोबाइल चलाने में परफेक्ट हो गए। इसके बाद हम बात करें तो मुझे आज भी ध्यान है, जब स्टार्टिंग में लैपटॉप नया नया आया था या कंप्यूटर नया नया आया था तो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था, कंप्यूटर चलाना हमें नहीं आता था, लैपटॉप चलाना हमें नहीं आता था, और ऐसा लगता था कि पता नहीं ये कौन सी मशीन रख दी है, अगर इसमें से कोई गलत बटन दबा दिया तो कहीं ये खराब तो नहीं हो जाएगा, है ना, कहीं इसमें दिक्कत परेशानी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन आज की डेट में आप में से बहुत सारे लोग लैपटॉप चला लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आपके सामने लैपटॉप और कंप्यूटर रखा हुआ होगा तो शायद आपको चलाने में बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। मुझे आज भी ध्यान है जब मैं एक कंपनी के अंदर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करता था, और उस दिन पे आउट वाला दिन था और मैं अपनी अपलाइन के घर पे गया था, तो हमारी जो अपलाइन थी उन्होंने मेरे सामने लैपटॉप रख दिया कि अजय जी आप अपना और अपने टीम के पे आउट्स देख लीजिए, है ना, आज फाइनल हो गए हैं ऑनलाइन जाके। अब मेरे को तो लैपटॉप, उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम लैपटॉप हाथ में लिया था, मुझे ये पता ही नहीं था कि लैपटॉप चलाते कैसे, तो
तो मैं तो वहां सक पका गया। मैंने, मैडम मुझे तो देखना नहीं आता कैसे वेबसाइट पे जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो उन्होंने 5 मिनट हमें समझाया ऐसे वेबसाइट है ये सारी चीजें, तब मुझे पता था कि लैपटॉप कैसे चलता। आज आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि लैपटॉप चलाना कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन उस वक्त जब लैपटॉप नया नया आया था, किसी व्यक्ति को जब पहली बार हाथ में मिला होगा तो उसके लिए लैपटॉप चलाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। तो लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर चलाना आप लोगों को, हम लोगों को नहीं आता था, लेकिन आज आप में से बहुत सारे लोग लैपटॉप कंप्यूटर को बहुत इजीली चला लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद में बात करूं तो साइकिल चलानी आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं आती थी, बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन जैसे ही आपने प्रयास किया आपको साइकिल चलानी आ गई। बाइक चलानी आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं आती थी, जो आज की डेट में चला लेते हैं। सोच के देखिए, जब नहीं आती थी तो कितना मुश्किल टास्क लगता था। आज भी जिस व्यक्ति को साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती, आप उनको मोटरसाइकिल चलाने के लिए बोलिए, वो कहेंगे नहीं भैया हाथ जुड़वाओ, अपने से नहीं चले, है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा, डर लगता है उन लोगों को। लेकिन आपके लिए बाइक चलाना आज की डेट में बहुत आसान हो गया। बहुत सारे लोगों को कार चलाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम लगता है, लेकिन आप रोड पे देखिए बहुत सारी महिलाएं कार चलाती हैं। कार छोड़िए, आज की डेट में तो ट्रेन भी चला रही है, बस भी चला रही है, ट्रक भी चला रही है, ट्रैक्टर भी चला रही है, इवन हवाई जहाज तक जो है वो महिलाएं आज की डेट में चला रही है। तो साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना, ये आपके हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क था। मुझे आज भी ध्यान है, जब मुझे कार चलानी नहीं आती थी तो ऐसा लगता था कार चलाना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम, मुझे ऐसा लगता था कार चलाना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हमारे जीजा जी आते थे, उनके पास जीप हुआ करती थी, और वो हमारे जब घर आते थे सिस्टर को लेके, तो उस जीप के अंदर आते थे और वो जीप खड़ी रहती थी। तो मेरा दोस्त जो था ना, वो कहता था जीजा जी जरा चाबी दिखाओ, उसको थोड़ी बहुत कहीं से उसने गाड़ी वाड़ी सीख ली थी, और वो जीप को स्टार्ट करता था, मुझे बैठाता था और गली के चक्कर कर लगाता था। और कई बार मेरे जीजा जी ने मुझे बोला, उसने मुझे बोला चल मैं तेरे को सिखा देता हूँ, लेकिन अंदर से फियर और डर इतना ज्यादा था, मुझे ऐसा लगता था कार चलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन जब ऐसी जरूरत पड़ी कि अब कार चलानी सीखनी पड़ेगी, है ना, उसके बाद जब हमने कार चलाना सीखा, और आज जब मैं कार चलाता हूँ हाईवे के ऊपर, कहीं भी मुझसे चलवा लीजिए, ऐसा लगता है कार चलाना बहुत आसान काम है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जिसको कार चलानी नहीं आती, उस व्यक्ति से अगर आज की डेट में पूछोगे तो उसके लिए कार चलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन जिसको आ गया उसके लिए कार चलाना सबसे आसान काम है। जूम चलाना आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था। ऐसा लगता था जूम चलाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। फेसबुक चलाना आपको और हमें नहीं आता था, व्हाट्सएप चलाना आपको और हमें नहीं आता था, इंस्टाग्राम चलाना आप में से और हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं आता था। लेकिन आज की डेट में आप और हम में से बहुत सारे लोग जूम के अंदर मास्टर हो चुके हैं ना, फेसबुक चलाने में मास्टर हो चुके हैं। लाइव कैसे जाना है, बहुत सारे लोगों को आज भी डर लगता है। फेसबुक पे लाइव कैसे जाना है, बहुत सारे लोगों को आज भी ये चीज नहीं आती है ना, लेकिन जिसने कर लिया उसके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। तो व्हाट्सएप पे किस तरीके से मैसेज भेजना है, किस तरीके से ग्रुप मीटिंग करनी है, व्हाट्सएप पे भी 3-4 लोगों की आपस में कॉलिंग के थ्रू बात हो जाती है, मीटिंग हो जाती है, नहीं आता था बहुत सारे लोगों को, आज भी नहीं आता है। इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, लेकिन आज की डेट में ये सारी चीजें हमारे लिए, जिसको ये आ गया है उसके लिए ये बहुत ही आसान टास्क हो गया, उनको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आती। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात याद रखें, कोई भी काम आसान हो जाता है यदि आपकी सीखने की इच्छा मजबूत होती है। तो कोई भी काम आसान हो जाता है कब, जब आपकी सीखने की इच्छा मजबूत होती है। तो अगर आपकी सीखने की इच्छा मजबूत नहीं है, कोई भी काम फिर आपके लिए मुश्किल है। सेम नेटवर्क बिजनेस है, नेटवर्क बिजनेस उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो सीखने के लिए तैयार नहीं है, जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है। लेकिन जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत है, जो सीखने के लिए तैयार है, उनके लिए नेटवर्क बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। कुछ लोगों को बोलो भाई साहब नेटवर्क बिजनेस, अरे भैया हमसे लोग नहीं जोड़े जाते, है ना, हमसे किसी को बोला नहीं जाता। लेकिन उसके विपरीत देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को जोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को मीटिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं। फर्क क्या है? इच्छा शक्ति का, सोच का, है ना। तो एक बात याद रखिए कि कोई भी काम आसान हो जाता है यदि आपकी सीखने की इच्छा मजबूत हो, तो सीखने की इच्छा से कोई भी काम जो है वो आपके लिए आसान हो जाता है। सीखने की इच्छा और लगातार अभ्यास से आप किसी भी काम में माहिर बन सकते हैं। जब आपकी सीखने की इच्छा होगी और लगातार उसके अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे, साइकिल चलानी नहीं आती थी लेकिन अंदर से एक ज्वलंत इच्छा हुई कि साइकिल चलानी है, फिर साइकिल चलाना किसी से सीखा और फिर लगातार अभ्यास किया और उसके बाद साइकिल चलानी हमने सीख ली। कार चलानी नहीं आती थी लेकिन अंदर से एक इच्छा की उत्पत्ति हुई, मुझे कार चलानी है, किसी से कार चलाना सीखा और उसके बाद लगातार अभ्यास किया, आज उसके बगैर, उस व्यक्ति के बगैर भी हम कार चला सकते हैं।
जबकि सीखते समय उस व्यक्ति का साथ होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। सेम नेटवर्क बिजनेस है, नेटवर्क बिजनेस में जब आप आते हैं तो शुरुआत में आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं और लगातार आप अभ्यास करते हैं अपनी अपलाइन के साथ मिलकर अगर काम करते हैं, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे ये बिजनेस, ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग, ये जूम, ये सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप भी एक अच्छे लीडर के रूप में अपनी कंपनी में काम करना शुरू कर देंगे। तो कोई भी काम आसान या मुश्किल होता है उसके कुछ कारण होते हैं, यानी कि मैं सीधी सीधी बात बताऊं, कोई भी काम आसान या मुश्किल होता है तो इन तीन चीजों के ऊपर, अगर ये तीन चीजें आप नहीं करते हैं तो आपके लिए वो काम मुश्किल हो जाता है, अगर ये तीन चीजें करते हैं तो ये काम आपके लिए आसान होता है। तो सबसे पहली चीज क्या है? आपकी इच्छा शक्ति। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो कोई भी मुश्किल काम आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, तो फिर कोई भी काम आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेटवर्क बिजनेस करने की अगर आपकी इच्छा उत्पन्न हो गई, ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन नेटवर्क बिजनेस करने की आपकी इच्छा नहीं है, ये काम आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क, सबसे मुश्किल काम हो जाएगा। दूसरी चीज, आपका नजरिया। जिस भी काम को आप करने जा रहे हैं उस काम के प्रति अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन उस काम को करने का नजरिया अगर आपका नकारात्मक है तो वो काम आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारा खेल क्या है? नजरिए का। अगर आपका नजरिया पॉजिटिव है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, ये आसान हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग को लेके आपका नजरिया नेगेटिव है, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। प्लान दिखाना है, आपका सकारात्मक नजरिया है कि यस मैं दिखाऊंगा, ये आसान हो जाएगा, आप अभ्यास करेंगे। प्लान दिखाना नहीं दिखाना है, मैं नहीं दिखा पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, नेगेटिव एटीट्यूड है, आपके लिए टास्क बहुत मुश्किल। ठीक है। तीसरी चीज है आपका निरंतर अभ्यास। अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें अगर आप निरंतर काम करते हैं, निरंतर आप सीखते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, आपके लिए वो काम आसान हो जाएगा। लेकिन वही काम अगर आप करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, अभ्यास तो बहुत दूर की बात है, निरंतरता तो बहुत दूर की बात है, अगर आप करने के लिए खुद को तैयार ही नहीं कर पाएंगे तो वो आपके लिए दुनिया का बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो आपकी इच्छा शक्ति से, आपके पॉजिटिव नजरिए से और आपके निरंतर अभ्यास से कोई भी काम आपके लिए आसान हो जाता है, उस काम में आप महारत हासिल कर लेते हैं, उस काम को करने में आप सक्षम हो जाते हैं। तो अगर आप नेटवर्क बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, अपने पॉजिटिव नजरिए को बढ़ाएं और साथ में निरंतर अभ्यास आप करते रहें, निरंतर काम करते रहिए, आप इस बिजनेस में निश्चित रूप से सफल हो।